मैं जगत राम सेमाल, मेरा नाम है पुत्र स्वर्गीय श्री कड़ी राम सेमाल। ग्राम का नाम है मेरा देवल, पुरुष का नाम है मेरा जखोली और विकास खंड का नाम भी जखोली और तहसील का नाम भी है जखोली और जिला है मेरा रुद्रप्रयाग। तो यहाँ ये तो मेरा ये पता है सर, ये मेरा घर का पता है, मेरे जिले का पता है, मेरा नाम है और उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ और मैंने 84 दिन तक मैंने आंदोलन किया है राज्य के लिए और मैंने मार खाई पुलिस वालों ने। दान तोड़ी मुजफ्फरनगर कांड झेला मैंने, मुजफ्फरनगर में हमारी जो दुर्गति हुई वो मुजफ्फरनगर में भी इतिहास है इसका। ये मुजफ्फरनगर की अदालत नियम के अदालत में हमारे रिकॉर्ड है कि जो वो तो आंदोलनकारियों के साथ में वो किया गया है, बच्चरोगत किया गया है वहाँ रहे हम कुत्ते की तरह मारा हमको मुजफ्फरनगर में। अच्छा, मुजफ्फरनगर में सर क्या कांड हुआ था उस दिन? मुजफ्फरनगर में जब वहाँ हम यहाँ से हमारी जत्था गई थी से, तो वहाँ से सब लोगों ने वहाँ पर पाइप लगा दिए, सारी बात जवाब दे दी, हमको आगे बढ़ने नहीं दिया। और 2 बजे का टाइम था, 2 बजे से लेकर और 9-10 रात की 11 बजे तक उन्होंने गेट नहीं खोला, वो पाइप नहीं खोले, तब पथरा हुआ था। पुलिस वालों ने हमको ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दी, उत्तराखंड के ऊपर लाठीचार्ज हुए, पत्थर फेंके और वहाँ गनों के खेतों के अंदर जा करके हमने अपनी जान बचाई। महिलाएं हमारे साथ बहुत थी, उतनी ही महिलाएं थे, उतने ही लड़के थे, उतने जवान लड़के थे और उतने ही हम बूढ़े थे, इतने जत्था मार गए। तो अगर वहां पर वो गने के खेत नहीं होते तो हम बचने वाले नहीं थे। उन लोगों ने हमको इतना बुरी तरह से हमारे साथ में बदसलूक किया कि वो इतिहास है इस बात का सर, इतिहास है कि उत्तराखंड राज्य के लिए हमने इतना वो किया कि पापर बेड़े अपने अपने प्राणों का बलिदान दिया। और 48 लड़के जवान नवयुवक लड़के 48 वहाँ उन्होंने अपनी ज्ञान वहाँ दी और गन्ना के खेतों के अंदर वो लड़के जो छुपने गए तो गोली से वहाँ उनको मारा गया। सुबह जब रात खुली 2 अक्टूबर 1999 की बात है, 2 अक्टूबर रात को ये कांड हुआ था महात्मा गांधी जी के जन्म के दिन। तो उस जगह हुआ तो जब वो खून ही खून हो गया तो गुंडों ने गाड़ी पानी मंगा करके तो रोड को धोया 2-3 किलोमीटर पर, जब खून ही खून हो गया था। ये झेल हमने झेल, तमाशा हो गया था। इसकी तो रामायण है सर, यहाँ रामायण है, इसकी इस कांड की रामायण है, इसका इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है इसका। सर मेरा ये है कि मैंने जब सर्वप्रथम कदम उठाया था, आंदोलन का कदम उठाया था 10 जनवरी 1994 से, इसी मांग पर मैंने लड़ाई लड़ी, बहुत दिनों तक लड़ाई लड़ी, 84 दिन का आंदोलन है और 5 जिलों में मैंने ये 5 जिलों की यात्रा की है। मुजफ्फरनगर कांड में मैंने अपने दांत तोड़ा ही, वो सामने देख रहे हैं लोग, और तभी मैंने पीछे नहीं छोड़ा, मैंने संघर्ष किया, बड़ा जोरदार संघर्ष किया, तब मेरे साथ जनता जुड़ी और तब का थोपा हमको गैर संघ की हमने मांग की थी राजधानी की, पहाड़ की राजधानी पहाड़ की जनता के लिए पहाड़ में होनी चाहिए, तो कहा थोपा हमको देहरादून में, जिसका हमको कोई लाभ नहीं है, गरीब जनता को, गढ़वाल की जनता को, पहाड़ की जनता को कोई लाभ नहीं है, मां बहने के लिए लाभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। देहरादून हम जाते हैं तो खाली हाथ लौट के आते हैं, वापिस निराश होकर आते हैं देहरादून से, और देहरादून ने हमको थोपा है। देहरादून केवल हिल इलाके की शहर के लिए है, वो ये हिल के लिए कोई वो नहीं फायदा नहीं है। इसलिए गुरु जी मैं अब मान्यवर, मैं अब दोबारा संघर्ष इसलिए कर रहा हूँ मान्यवर कि मेरी अर्थी जाएगी पर कैसे राजधानी वो भी मेरी अर्थी बजी नहीं जाएगी, बस मेरा ये संकल्प हो गया। आप मरते समय आपने जब उत्तराखंड के लिए आंदोलन चला था तो आप बात कर रहे हैं कि 84 दिन का आपने आंदोलन किया जी, तो उस 84 दिन में आपने क्या भूख हड़ताल भी की थी? भूख हड़ताल किया मैंने, भूख हड़ताल का नाम होता है कि अन्न खाए, पानी जलावा, गर्म पानी जलावा, कोई चीज वो नहीं करनी है, यूज नहीं करनी है। 84 दिन तक मैं भूख कदम कदम पर मैंने कभी 3 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 1 महीने में, 84 दिन तक मेरा कुल आंदोलन है उत्तराखंड के लिए। अच्छा, आपने ये आंदोलन किस किस स्थान पे किया? जी सर, पूरी जनता के समर्थ, पूरी जनता के
नैनीताल रुद्रप्रयाग में क्या, देहरादून में किया कि जखोली में किया? जखोली ब्लॉक में मेरा सर्वप्रथम है, जखोली ब्लॉक में मेरा सर्वप्रथम है, देहरादून में मेरा सर्वप्रथम है, और जंतर मंतर दिल्ली में मेरा मंत्र वो केशव भक्त का है, और देहरादून में मेरा दो बार आंदोलन में रहा देहरादून में, और वहां से मेरी गिरफ्तारी हुई, हर जहां मैंने आंदोलन की मैं बैठा वहां से मेरी गिरफ्तारी हुई। अच्छा, गिरफ्तार होने के बाद आपको कहां ले जाया गया? बस जब जंतर मंतर से मेरी गिरफ्तारी हुई तो चार जेल में मुझे ले जाया गया, जब यहाँ से मेरी यहाँ से जखोली ब्लॉक से मेरी गिरफ्तारी हुई तो मेरी जेल में जो मेरे जिले की जेल है टेहरी, टेहरी जेल में ले गया, 12 दिन में वहाँ टेहरी जेल में रहा, तब जनता गई, जनता ने मुझे छुड़ाया, तब वहाँ मैंने इस केस में मैंने आंदोलन किया तो तब मुझे देहरादून की जेल में ले जाया गया, वहाँ दिल्ली में वो दिल्ली में आंदोलन किया तो मुझे क्या जेल में ले जाया गया, इतनी जेल में मैंने भुगती है मान्यवर। तो ये बताइए, आप जब जेल में गए जी तो आपके साथ मतलब कोई अन्याय तो नहीं हुआ जेल में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, उन लोगों ने मुझे आदर से रखा, आदर से रखा, सिर्फ जोबड़ी जिले के जेल में थे वो तो धमकी भी देते थे, लेकिन और जेलों में मुझे कोई धमकी नहीं मिली, और जेलों ने आदर किया, सम्मान किया, फूलमाला चढ़ाई, बहुत अच्छा वो किया उन्होंने, उन्होंने अन्न खाई पर खून था, मैंने क्यों खाना था जब मैं आंदोलन में था, वो करता कि मैं तो अन्न क्यों खाना था, मैं पानी पर मैंने अपने जीवन रखा है, गर्म पानी पर, लोगों ने गर्म पानी पिलाया मुझे। अच्छा, जब आपने उत्तराखंड के लिए पृथक उत्तराखंड के लिए आंदोलन किया था जी, तो कुछ ऐसे यादगार क्षण है जो आप अभी हमारे चैनल को बताना चाहेंगे? क्या सर? मतलब जब आपने आंदोलन किया था 94 में जी, तो मतलब 84 दिन के अंदर, 84 दिन के अंदर, तो मतलब कुछ ऐसे कुछ क्षण है आपके पास जो कि आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? अरे सर, मेरे पास बड़ा रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को आप देखेंगे सर, मैं सर लोगों को बताना है, मैंने जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ किले में भी ले जाऊंगा उस रिकॉर्ड को, जिले में भी ले जाऊंगा उस रिकॉर्ड को, और उनके मत है छोड़ूंगी, जिनके पास मैं जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, उनके पास रखूंगा कि बोलो तुमने, हमने मैंने राज्य बनाया, तुमने क्या दिया हमको, क्या दिया, एक एक डेढ़ दिया, जहाँ हमारी पूछ भी नहीं होती है, जहाँ हमको कुछ पानी तक भी नहीं मिलता, जहाँ हमको पूछते नहीं थे गढ़वाल के लोगों को, कोई नहीं पूछता हुआ, वहाँ देश लोगों की सुनाई होती है, देहरादून वालों की सुनाई, मजदूर वालों की सुनाई होती है, उत्तरकाशी वालों की सुनाई होती है, लेकिन जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ उनकी कोई सुनाई नहीं होती है, वो वहाँ देहरादून में से जैसे गधे की तरह, जैसे कुत्ते की तरह, वर्षों तक में हमको जगह नहीं मिलती है वहाँ रहने के लिए, आंदोलनकारी हमने राज्य बनाया, हमने संघर्ष किया है, खून पसीना बहाया है हमने। तो सर आपकी उम्र इस समय कितनी? ये मेरी उम्र है 90 साल और 6 महीने की मेरी उम्र है। अच्छा, इतनी बड़ी अवस्था में भी आप आंदोलन करने के लिए अब दिल्ली जा रहे हैं? बिल्कुल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं केंद्र में जाऊँगा, मैं प्रधानमंत्री के यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, आप कब दिल्ली कूच करने वाले हैं? मैं दिल्ली में सर परसों में दिल्ली का कूच है, परसों है मेरा। मैंने परसों कौन से मतलब डेट में है? परसों की कितने डेट है? परसों जी 29 तारीख को मैं यहाँ से कूच कर दूंगा, मतलब 29 सितंबर 2018 को आपसे यहाँ से चल पड़ेंगे, यहाँ से चल पड़ूंगा, दिल्ली पहुँचूंगा मैं करीबन 1 तारीख तक, मैं दिल्ली प्रधानमंत्री जी के यहाँ पहुँच जाऊंगा। तो आप कितने लोगों का जत्था आपके साथ जा रहा है? जत्था मेरे साथ में दिल्ली में देहरादून से कुछ लोगों को तैयार करूंगा, यहाँ गढ़वाल से मेरे साथ कुछ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्या हमने बहुत जेल रखा है, हम नहीं जाते हैं वहाँ। अच्छा, पर देहरादून से करूंगा मैं कुछ लोगों को, कुछ लोग मेरे देहरादून में रहते हैं, मसूर में रहते हैं, तो इन लोगों को मैं अपना सूचना दे रहा हूँ सबको, और नहीं भी नहीं करिए तो अकेले में बहुत जीवन का बलिदान कर दूंगा मैं, और मैंने क्या करना है, जीवन का बलिदान करूंगा सर। अच्छा जी, तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय कहाँ पे है? सर पता तो प्रधानमंत्री कार्यालय का तो पता है, लोगों को पूछ लूंगा, लोग कोई ना कोई मुझे मिल जाता है सर, अब मिल जाता है मुझे, कोई ना कोई मिल जाता है, आंदोलनकारी की बहुत सारे लोग इज्जत करते हैं और बहुत सारे लोग नकारते हैं। अच्छा, माना गवर्नमेंट ने राजधानी गैरसैंण बना दी जी, तो इससे यहाँ के लोगों को क्या फायदा पहुँचेगा? फायदा ये पहुँचेगा साहब, आने का फायदा पहुँचेगा, जाने का फायदा पहुँचेगा, विकास का फायदा होगा, और गरीबों के बच्चों को यहाँ पर गरीबों की सुनाई होगी, गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे, जो लोग वहाँ के जो फायदा होगा, राजधानी
उन्हें फायदा होगा साहब। आप देहरादून में मछली वाले फायदा उठा रहे हैं, विकास नगर वाले फायदा उठा रहे हैं, ऋषिकेश वाले फायदा उठा रहे हैं, डोर वाले राय वाले वो लोग फायदा उठा रहे हैं, देहरादून में सब फायदा ही फायदा उठा रहे हैं। अब जिन्होंने राज्य बनाए लिए उनके लिए कुछ नहीं है, कुछ ना उनके सुनाए कुत्ते की माफी भी नहीं होती है, जैसे कुत्ते की मौत मरते हैं हम लोग। हाँ हमको कुछ, हाँ हमको कोई पूछने वाला भी नहीं है, इसे अन्याय इलाके में रहना तो बेकार है। चलो सर, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।